2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 30 साल बाद प्रियंका की अगुवाई में सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ प्रियंका ने 40% महिलाओं के टिकट दिए। हालांकि नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले साल विधानसभा चुनाव से भी खराब रहा। पार्टी 403 सीटों में केवल 2 सीटों पर ही जीत ला पाई। देखिए यह रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए प्रियंका आखिरी उम्मीद थी। उसे लगता था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से प्रियंका का जादू चलेगा, इसके बाद शायद पार्टी में नई ऊर्जा आएगी। नतीजा बहुत निराशाजनक रहा। पार्टी को गिनती की 2 सीटें मिली, पिछले चुनाव से 5 कम। पार्टी ने 144 महिला कैंडिडेट को टिकट दिए, लेकिन केवल रामपुर खास सीट से आराधना मिश्रा को ही कामयाबी मिली। बाकी 137 महिला कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। चुनावी एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रियंका ने चुनाव से पहले जो 40% महिलाओं को टिकट देने का एक्सपेरिमेंट किया था, वह कांग्रेस के हक में नहीं गया। इन नतीजों के बाद निश्चित तौर पर प्रियंका की राजनीति का आंकलन होगा। उनके फैसले बेशक वोटों में तब्दील नहीं हो पाए हैं, लेकिन पूरे चुनाव में जिस तरह प्रियंका ने साफ सुथरी राजनीति को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस उन्हें डिमोरलाइज नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस को प्रियंका की राजनीतिक परिपक्वता भी दिखी है। खुद प्रियंका की राजनीति समझ पहले से ज्यादा बड़ी है, इसीलिए कांग्रेस आने वाले चुनावों में भी प्रियंका का सहयोग लेती रहेगी। इस प्रदर्शन से उनके राजनीतिक करियर पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस करीब 2.5 दशक से अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 सीटें जीती थी। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन किया और 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें उसे केवल 7 सीटों पर कामयाबी मिली। बीते 17 साल से कांग्रेस की राजनीति का बड़ा चेहरा रही प्रियंका 2019 में राष्ट्रीय महासचिव बनाई गई। सबको लगने लगा था कि वो ही कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को किनारे तक ले जाएंगी, लेकिन 2022 के चुनाव ने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगभग 2 दशकों से संभाल कर रखा गया कांग्रेस का ध्रुव का पत्ता कैसे अपने ही पहले ही दांव में बेकार चला गया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा यूपी वालों को समझ नहीं आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सचिन पायलट ने भी यूपी में आकर रैलियां की। अकेले प्रियंका ने 42 रोड शो किए। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार तक उन्होंने कुल 167 रैलियां और जनसभाएं की, लेकिन नतीजों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।